अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज का ब्लॉग बनाना शुरू कर रहे हैं सुबह से, और अभी हम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हम गए थे अपने रोशनी के घर, और वहां से वापस आने के बाद फिर अपना रात का कोई चीज़ हम शूट नहीं किए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है और फिर काम शाम करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो फिर अभी आज दोपहर का टाइम हो गया था, और आज हमने बनाई थी यहाँ पर आलू और परवल की सब्ज़ी लेकर आए थे, क्योंकि हम यही सब खा रहे हैं आजकल। कोशिश कर रहे हैं कि अवॉइड करें ज़्यादा चिकन मटन ये सब ना खाएं। तो फिर हमने अपने लिए सब्ज़ी बनाई थी, और अभी आज हम ये खाएंगे। तो अच्छा, सब्ज़ी वब्जी जब खाना खाओ तो उसके साथ में जब अचार होता है, और मिर्ची का अचार, आम का अचार, क्योंकि सीज़न चल रहा है, जैसा कि अभी आम आई हुई, बहुत सारे लोगों ने अचार बना के रखा होगा अपने घरों में। तो यहाँ पर फिर मेरी अम्मी ने मिर्ची वाला अचार बना के रखा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो फिर हमको उन्होंने दिया था जब उस दिन हम घर गए थे। तो वहाँ पर, यहाँ पर हमने साथ में मिर्ची का अचार ले लिया है, और यम्मी सी देसी घी, आप लोग देखे होंगे हमारे लास्ट वाले ब्लॉग में, हमने खुद ही बनाया था, बहुत मेहनत का देसी घी है ये वाला। हालांकि ख़रीद के रखा हुआ हमारे पास, लेकिन ये वाला खाने में पता चलता है कि हाँ, बहुत मेहनत से, सच में बहुत मेहनत लगी थी निकालने में। तो यहाँ पर फिर हमने अपने खाने की शुरुआत कर देनी है, और यहाँ पर मेहनत का खाने का तो अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पर सुपर टेस्टी सी आलू और परवल की सब्ज़ी के साथ मम्मी के हाथों का बनाया हुआ मिर्ची का अचार, और मेरे हाथों का बनाया हुआ देसी घी, वाह क्या बात है। खैर, यहाँ पर खाना वाना हमने खा लिया था, और रोशनी के घर गए थे। आप लोगों को पता है कि हमने शॉपिंग की थी वहाँ पर, गए थे थोड़ा सा चीज़ें परचेज़ करनी थी, तो फिर वहाँ से हम ये लेकर आए थे अपने लिए ब्लीच। ये मतलब गोल्ड की ब्लीच है, तो नेचर की मुझे अच्छी लगती है, मैंने सोचा कि नेचर की ले लेते हैं, तो फिर हमने ये वाली ले ली थी, और साथ में हमने ले लेना था फाउंडेशन। अब जब ये होता ना कि आप स्टोर पे पहुंच जाते हैं, तो आपको जो जो नज़र आता है, फिर तो आपको अगर दो चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पहुँचने के बाद आपकी डिमांड बढ़ जाती है, आपको चार चीज़ें हो ही जाती हैं लेडीज़ के साथ, तो अक्सर ही ऐसा होता है। साथ में फिर हमने ये लिया था, कंसीलर था, और ये मैंने बहुत अच्छा लग रहा था, हमने ट्राई किया तो हमें पसंद आया, तो हमने ये ले लिया था। अच्छा, इसमें क्या था ना, लिक्विड वाला भी था, स्टिक था, दोनों था, आप जो भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हमने अप्लाई किया तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हमने वहाँ से ये वाला परचेज़ कर लिया था। और साथ साथ में हमने जो फाउंडेशन लिया था, तो अभी तक हमने क्या था कि फिटमी का फाउंडेशन यूज़ किया हुआ है, रैनी का फाउंडेशन यूज़ किया हुआ है, तो हमने सोचा कि इस बार चेंज करते हैं हम। हमारे पास हालांकि रैनी का फाउंडेशन अभी हम लेकर आए, स्टिक वाला था वो रखा हुआ है, तो फिर हमने सोचा कि हम ये वाला इस बार ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वाला मार्स का फाउंडेशन भी ले लिया था, और मार्स का हमने वो जो स्टिक है वो वाला ले लिया था। दोनों हमने कंसीलर और फाउंडेशन दोनों मार्स का इस बार बाय किया हुआ है, देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। अभी तक जो हम लगा रहे थे वो काफ़ी अच्छा था, तो फिर हमने सोचा इस बार चेंज करते हैं। थोड़ा सा ये होता ना, एक ही चीज़ें अगर फेस पे अप्लाई करते रहो तो फिर उसका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आता है, तो हमने सोचा चेंज करके लेते हैं, जो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा वही यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर हमने ले ली थी अपना ये लिपस्टिक, तो ये थोड़ा न्यूट कलर था, तो ये अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा ले लेते हैं। और फिर ये वाला एक डार्क कलर हमने परचेज़ कर लिया था, ये वाला अच्छा लग रहा था, जैसे कहीं आना जाना, थोड़ा डार्क कलर शादी वाद वगैरह में लगाते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है। और साथ में हमने यहाँ पर ले लिया था एक गुलाब जल, ये स्प्रे वाला था, और इसको लगाने में बड़ा मज़ा आता है, जब आप इसको फेस पे ऐसे स्प्रे करो ना तो इतना मज़ा आता है, और जब गुलाब जल लगाओ ना तो बहुत अच्छी सी फीलिंग भी आती है। तो हमने देखा तो वहाँ पर था अवेलेबल, तो हमने वहाँ से ये भी परचेज़ कर लिया। हालाँकि ये हमारे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो हमने सोचा था परचेज़ करेंगे, लेकिन अभी वहाँ मुझे फ़ौरन से दिख गया, तो फिर हमने ये भी परचेज़ कर लिया। और हम जब गए थे घर से, तो ये बोलकर गए थे मामी से कि चलते मामी चूड़ियाँ लेनी है मुझे। हालांकि हम उतना ज़्यादा चूड़ियाँ पहनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बस मन था तो कि चलो परचेज़ करेंगे, लेना था तो फिर डेली यूज़ वाली, तो बस हम वहाँ चले जाते हैं। तो मामी बोलती हैं मैंने रेड वाली सेलेक्ट की थी, तो मामी बोली कि ग्रीन भी ले लो अभी, जैसे कि क्या है, सावन आ रहा है, तो सावन में अगर पहनोगी तो अच्छा लगेगा। अक्सर लोग ऐसा होता है ना कि सावन में रेड और ग्रीन मिला के पहनते हैं, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी सी चूड़ियाँ मिल गई थी मुझे। हालांकि बहुत सारे लोग प्लेन वाली पहनते हैं, बहुत सारे लोग काम वाली पहनते हैं, जैसा जिसका अपना मन करे, वो जिसको जो पसंद आ जाए। ये कलर थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये ग्रीन कलर था और वो रेड कलर थी, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है सावन में सब लोग यही वाली बैंगल्स पहनते हैं।
अच्छा उसके बाद में ये वाली चूड़ियाँ हमारा पहनने का काफ़ी टाइम से मन है, पता नहीं कितना पहनेंगे उसके बारे में तो मुझे नहीं पता है। आप लोग ब्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो ही जाएगा कि हम कितना पहनेंगे। खैर यहाँ पर ये वाली चूड़ियाँ हमने पहननी थी तो हमने सोचा था ले लेंगे, अगर मुझे ऐसे पहननी होगी तो फिर पहन लेंगे, वरना फिर तीन तीन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि एक साथ ही पहनो। तो यहाँ पर ये वाली हमने सेट बनवाया था, तो उस वाली शॉप पर ये वाला सेट नहीं मिला था, तो फिर दूसरी वाली शॉप गए तो वहाँ पर ये वाला सेट मिल गया था हमें, तो उसने बना के हम लोगों को दे दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऐसे देखने में प्यारी लग रही हैं, अभी जब हम इसको यूज़ करेंगे तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, पता नहीं कैसी लगेंगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चूड़ियों के बारे में, लेकिन बस ये इतना है कि हाँ कभी कभी मन करता है पहनने का तो फिर उतना तो यूज़ कर ही लेंगे। खैर हमारा प्रोडक्ट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फिर उसके बाद में खाना वाना भी खा लिया हमने, अपनी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर कर ली कि हम मुराद के घर से, मतलब जब उसके घर गए थे, क्या क्या चीज़ें हमने परचेज़ की थी। तो फिर उसके बाद में फिर हम अपना नमाज़ पढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है दुनिया भर के काम कर लो, नमाज़ पढ़ने में ये हो जाता है थोड़ा सा इंसान सोचता है कि हाँ अभी पढ़ लेंगे। तो बस फ़ौरन से हमने यहाँ पर नमाज़ पढ़ ली थी और फिर शाम का टाइम हो गया था, खाना शाना बनाने का टाइम हो जाता है शाम को, अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि दिमाग में बस टेंशन बनी रहती है कि खाना बनाना है, कितनी जल्दी बन जाए, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो बस फ़ौरन से ही हमने एक साइड पर चाय रख दी थी, एक साइड पर दूध उबालने को रख दिया था और एक साइड पर हमने रख दिया था चिकन कुक होने को। अच्छा यहाँ पर ये वाली जो आप मिक्सर देख रहे हैं, ये आपने पहले वाले अगर ब्लॉग में हमारे देखा होगा तो ये सऊदी में थी, तो फैज़ ने बोला था कि जब से तुम चली गई हो तब से इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अगर तुम कहो तो हम इसको लेते आते हैं, तो मैंने कहा था ठीक है, तो फिर वो ये लेकर आ गए थे वहाँ से हमारे लिए कि यहाँ हम यूज़ कर लेंगे। हालाँकि हमारे पास ऑलरेडी मिक्सर है तो हमने उसको निकाला हुआ है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है और किचन आप लोगों को पता है हमारा छोटा किचन है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम सेट नहीं कर सकते। हालाँकि हमारे पास ओवन भी है, इंडक्शन भी है, मिक्सर भी है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ रख नहीं सकते, वहाँ उतना स्पेस नहीं है। खैर वहाँ पर खाना हमारा कुक हो रहा था और हमारा थोड़ा सा मन घबरा रहा था, तो हमने सोचा पहले थोड़ी देर बैठे, बिल्कुल उलझन सी लग रही थी, थोड़ा देर ऊपर गए फिर वहाँ से नीचे आ जाते हैं, तो एक कप दूध पिया हमने, हमने सोचा शायद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा सा रहा था। खैर उसके बाद में ये हो जाता है कि हमने उस दिन फिर कोई ब्लॉग शूट नहीं किया और हम अपना फिर लेटे बैठे रहे, यही सब चलता रहा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाता है, मॉर्निंग से भी दोपहर तक हमने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, हमें अच्छा नहीं लग रहा था। फिर शाम का टाइम हो जाता है, फिर सबको पता है जैसे कि खाना शाना बनाने का वक्त आ जाता है और फिर वही दिमाग में चलता है कि बस चलें खाना बना ले, क्योंकि दोपहर में तो हमने आज खिचड़ी बना ली थी, बिल्कुल मन नहीं था फैज, हालांकि बोले थे कि मत बनाओ बाहर से ले आएंगे, लेकिन फिर हमने बोला कि अब क्या ही बाहर से लाओगे, चलो बनाते हैं। खैर हमने बस खिचड़ी बना ली थी और वही हम सब ने खा ली थी दोपहर के टाइम, और अचार था, मिर्चे वाला अचार था, आम वाला अचार था, देसी घी था, फिर उन सब चीज़ों के साथ मिक्स करके खिचड़ी भी खाने का काफ़ी अच्छा मज़ा आया हम लोगों को। फिर यहाँ पर रोटियाँ बनाने का टाइम हो जाता है तो हम रोटियाँ बनाने लगते हैं, सोचते हैं जल्दी से हमारी रोटियाँ रेडी हो जाएं, और साथ साथ में एक साइड में हम रख देते हैं चिकन बनने को। जैसा कि सबको पता होगा कि हमारे घर चिकन रोज़ बनता है, ज़्यादातर हम अगर कोई भी, अब इसलिए बहुत ज़्यादा रेसिपी शेयर नहीं कर सकते आप लोगों के साथ, क्योंकि चिकन 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 बना बना के फिर हम आपको वही चीज़ें दिखाएँ तो अच्छा भी नहीं लगता, तो बस इसलिए शायद अभी कोई रेसिपी हमने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, इंशाल्लाह बहुत जल्दी कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर करेंगे। यहाँ पर चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका था, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ग्रेवी के लिए, और बस अब हम इसको ढककर 5 मिनट कुक करेंगे और दूसरे साइड पे हम अपना साथ साथ में रोटियाँ बना लेंगे, तो बस हमारा पूरा खाना जल्दी से बन जाएगा। चावल ऑलरेडी बन चुका है और रोटी बनाने लगे थे और साथ में चिकन बन गया था, तो बस यही रोज़ के काम होते हैं, आपको करना होता है, खाना बनाओ खाओ, बाकी दुनिया भर के काम, ऐसे ज़िंदगी चलती रहती है, यही है हम लोगों की लाइफ और यही सब होता है हम लोगों की लाइफ में, अभी तो कुछ नया नहीं है। ऐसा सोचा था इनके आने के बाद शायद कहीं घूमने जाना हो, क्या करना हो, लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि हाँ इनका इरादा है कहीं जाने का या क्या है। फिर ये हो जाता है कि अगर हम लोग चले जाएंगे तो फिर पापा जी खाना कहाँ खाएंगे, तो फिर उसका मसला हो जाता है, उसी चक्कर में बस दवा लेने जाते हैं घर आ जाते हैं, दवा लेने जाते हैं घर आ जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल इतना चल रहा है लाइफ में, अभी आगे क्या होता है अल्लाह मालिक है, अल्लाह जो करता है वो बेहतर होता है हम लोगों के लिए, बस यही सोच कर।
अपना ज़िंदगी गुजारते रहो। बस इसी तरह से हमारी रोटियां भी बन जाती हैं आप लोगों से बातें शातें करते करते, और खाना भी हमारा बन गया है। अभी क्या है, अभी शाम का टाइम हो गया है, खाना बन जाएगा, उसके बाद में फिर हम जाएंगे अपना आराम करेंगे थोड़ी देर, और फिर जब खाने का टाइम आएगा तो फिर सब लोग आ जाएंगे खाना खाने के लिए, बस खाना वाना खाया जाएगा। तो इस तरह से जैसे हमारी रोटियां बनकर रेडी हो गई थी, फिर फौरन से हमने अपना किचन क्लीन कर लिया था, क्योंकि मुझे किचन बिल्कुल गंदा अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि हम सबसे पहले खाना बनाने के बाद अपना किचन पूरा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, और फिर जब खाना खाने की बारी आती है, फिर खाना वाना खाने के बाद रात में बर्तन धुल के रख देते हैं, ताकि सुबह जब हम आराम से उठें, आराम से अपना सारा साफ़ सफाई मिले मुझे किचन में, क्योंकि किचन गंदा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, हमारी रोटी भी बन गई है, व्लॉग भी एडिट करना है, तो हम व्लॉग एडिट करते हैं और फिर उसके बाद में हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अब मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है, और इसकी वजह से हम ज़्यादा व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारी तबीयत जल्दी से अच्छी हो जाए और हम आप लोगों के लिए नए नए व्लॉग्स लाएं। क्योंकि अभी क्या है ना, मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रही थी, उसकी वजह से हम बिल्कुल भी शूट वूट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती तो मन नहीं करता है कुछ करने वगैरह का भी, कि काम करें या कुछ भी करें। तो खैर, अब काम तो करने पड़ते हैं जो होते हैं, लेकिन यह है कि बस फिर ब्लॉग एडिट करो ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हम, तो वो कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए जल्दी से एक अच्छा से ब्लॉग के साथ मिले। तो आज ये वाला ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं, आप लोग देखिए, इसे बहुत सारा सपोर्ट करिए, बहुत सारा प्यार करिए, और हम आपके लिए नए नए ब्लॉग्स लाते रहेंगे। जब कहीं घूमने जाएंगे, अभी तो हमारा कहीं ज़्यादा घूमना नहीं हो पा रहा है, बस घर से दवा लेना, दवा लेने से घर, और अभी तो रोशनी के वहाँ गए थे, वो वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है हमने। तो आप लोग हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार करें, बहुत सारा सपोर्ट करें, ताकि जल्दी जल्दी से हमारा वॉच टाइम यू पूरा हो जाए और हम अपना मोनेटाइज चैनल अप्लाई कर सकें। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करें, और हम आपके लिए नए नए ब्लॉग्स के साथ मिलेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।